सुप्रभातम् सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां स्वागतम् मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम् दरभंगा अद्य अहम् भवताम् समक्षे कक्षा सप्तम विषय संस्कृत व्याकरणम प्रकरणम कारक तृतीय विभक्ति इति विषयम धीकृत्य पाठयितुम उपस्थितोस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य द्वादश दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग अंग विकार के साथ कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है जो ये नांग विकार है, ये नांग विकार है, ये ना अंग विकार है, ये नांग विकार है। इस सूत्र का कहने का अर्थ है जो शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे आंखों से काना है तो अक्षणा कान है, अक्षणा कान है, आंख से काना है तो अक्षणा काना है। अब हाथ से लुंजा है, हाथ से लुंजा है तो हस्तेन लुंजा, हस्तेन लुंजा। तीसरा हम ले सकते हैं शब्द जो सिर से गंजा है, तो सिर से गंजा है तो सिरसा खलवाट, सिरसा खलवाट, सिर से गंजा है। कानों से बहरा है तो कर्णाभ्याम बधिर, कर्णाभ्याम बधिर। पैर से लंगड़ा है तो पादेन खंजा है, पादेना खंजा। पीठ से कुबड़ा है तो पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन कुब्जा। अब यहां आंख से काना दिखाई पड़ रहा है इसलिए अक्षणा शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हाथ से लुंजा है अतः हस्तेन इस अंगवाची पद में तृतीय विभक्ति हुई है। सिर से खलवाटा, सिर से गंजा है तो यहां भी सिरसा में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कानों से बहरा है तो चूंकि एक कान से नहीं बहरा है, कानों से
द्विवचन का बोध करवाता है, तो इसलिए यहाँ पर में करण कारक तृतीय विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग हुआ है कर्णाभ्याम। अब पैर से लंगड़ा है, तो चूंकि पादेन जो है शब्द है वो भी करण कारक तृतीय विभक्ति का रूप है। उसके बाद पीठ से कुबड़ा है, तो यहाँ पृष्ठ शब्द में भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार अब हम लोग ने ये चीज देख लिए हैं, जो अंग विकार वाची जो शब्द रहेगा, अर्थात जिस अंग में वो विकार दिखाई देगा, उस अंगवाची शब्द में भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग निश्चित ही होगा। अब हमारे पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में दूसरा सूत्र के माध्यम से बताए हैं, जो पृथक विना नाना भिस्तृतीयान्यत रस्याम, पृथक विना नाना भिस्तृतीयान्यत रस्याम। इस सूत्र का कहने का अर्थ है, जो पृथक विना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है, तृतीय न हो तो पंचमी अथवा द्वितीय विभक्ति भी होती है। नाना शब्द अनेकार्थक हैं, लेकिन यहां विना के अर्थ में प्रयुक्त हैं। ये जो तीन ठो अव्यय शब्द हैं, पृथक विना नाना, ये तीनों शब्द में विकल्प से विभक्ति होती है, और वो विकल्प से तीन विभक्तियां होती हैं। एक बार करण कारक तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, एक बार द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, और एक बार हम पंचमी विभक्ति का आपादान कारक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जो जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, तो इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो जलेन विना न जीवति कमलम, जलेन विना न जीवति कमलम, यानी जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। अब ये जो जल शब्द हैं, इसमें हम देखते हैं कि करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि इसको हम द्वितीय विभक्ति में भी प्रयोग कर सकते हैं, जलम विना न जीवति कमलम, अब हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जो गौ से अलग, तो ग्रामम पृथक, यानी गौ से अलग, तो ग्राम शब्द में यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ग्रामीण पृथक यानी गौ से अलग, तो यहां भी यहां ग्रामीण शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ग्रामात पृथक यानी गौ से अलग, तो यहां अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अब हम लोग ये जानते हैं क्या, जो इस तरह का वाक्य कहीं पर में भी मिले तो तीनों कारक के चिन्ह के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह की त्रुटि को सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब हम तीसरा उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जो राम के बिना तो रामम बिना, क्योंकि राम शब्द रामम शब्द जो है वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और रामेन बिना राम के बिना तो रामेन शब्द जो है वो कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और रामात बिना यहां अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अब हम चौथा उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, राम के बिना, बिना के अर्थ में नाना का भी बोध होता है, और नाना का अर्थ में बिना का भी बोध होता है। हम दोनों में से किसी भी अव्यय शब्द को लेकर के वाक्य बना सकते हैं। तो नाना रामेना या नाना रामात या नाना रामम, अर्थ वही निकलेगा जो रामम बिना या रामेन बिना या रामात बिना, वही नाना रामम, नाना रामेन, नाना रामात, अर्थ दोनों का सदृश एक ही हो। इसी के साथ आज का क्लास मैं यही समापन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग करण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में निश्चित रूप से स्मरण करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में, संप्रदान कारक के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्।